दोस्तों दुनिया के 49 ऐसे मुल्क हैं जिनकी सरहदें किसी भी समंदर को नहीं लगती। नेपाल का शुमार भी दुनिया के इन्हीं मुल्कों में होता है। नेपाल का शुमार दुनिया के गरीब और कम तरक्की करने वाले मुल्कों में भी होता है। दोस्तों नेपाल मुल्क का ऑफिशियल नाम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है। इसका दारुल हुकूमत काठमांडू है और काठमांडू नेपाल का सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों नेपाल इन मुल्कों में से एक है जिन मुल्कों पर आज तक कोई भी कब्जा नहीं कर सका। इसकी वजह है नेपाल की बहादुर फौज। नेपाल की बहादुर फौज वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू में दूसरे मुल्कों के लिए भी जंग लड़ चुकी है। नेपाल की आर्मी दुनिया की खतरनाक तरीन आर्मियों में से एक है। साउथ एशिया में नेपाल की आर्मी 5वीं सबसे बड़ी आर्मी है। दोस्तों इस मुल्क का कॉलिंग कोड +277 है। इस मुल्क की करेंसी को नेपाली रुपया भी कहा जाता है। दोस्तों इस मुल्क का कुल रकबा 147,181 स्क्वायर किलोमीटर है और मुल्क अपने रकबे के लिहाज से दुनिया में 93 नंबर पर आता है। दोस्तों नेपाल की कुल आबादी 2,94,00,000 है और ये आबादी के लिहाज से दुनिया का 48वां सबसे बड़ा मुल्क है। नेपाल में 81% लोग हिंदू हैं और यहाँ 19% लोग मुसलमान और ईसाई हैं। नेपाल मुल्क में सारे मजहब के लोग भाई भाई की तरह रहते हैं और यहाँ पर किसी किस्म की मजहब के नाम पर लड़ाइयाँ नहीं होती। दोस्तों कहा जाता है कि बुद्ध मत मजहब के बानी गौतम बुद्ध भी नेपाल में पैदा हुए थे, लेकिन यहाँ पर बुद्ध मत लोगों की परसेंटेज बहुत ही ज्यादा कम है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि हमारे चैनल सी ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब और इसके साथ मौजूद बेल के आइकन को दबाना हरगिज मत भूलिएगा, ताकि आप मजीद इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख सकें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों इस मुल्क की सरकारी जबान नेपाली है। इस मुल्क में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान मैथिली है, जबकि तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान भोजपुरी है। दोस्तों नेपाल में ज्यादातर लोग हिंदी के बजाय उर्दू जबान बोलते हैं। इस मुल्क का कौमी जानवर गाय है और गहरा लाल रंग इस मुल्क का नेशनल कलर है। ये कलर नेपाल के झंडे में भी मौजूद है। नेपाल में हर किस्म के फल खाए जाते हैं, अलबत्ता यहाँ का कौमी फल कोई भी नहीं है और पीपल का दरख्त नेपाल का नेशनल ट्री है। दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में मौजूद है। हर साल यहाँ पर करोड़ों सियाह इस पहाड़ी चोटी को देखने के लिए आते हैं। नेपाल में कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल बहुत ही पसंद से देखे जाने वाले और खेले जाने वाले खेल हैं। 2017 में वॉलीबॉल को इस मुल्क का कौमी खेल बना दिया गया था। नेपाल के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं। इस मुल्क में सबसे ज्यादा गेहूं, चावल, गन्ना और मकई की काश्त की जाती है। दोस्तों नेपाल में तितलियों की 500 से भी ज्यादा इकसाम पाई जाती हैं। नेपाल चीन और इंडिया के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अदरक एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क भी है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एक मुख्तसर सी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपना इजहार जरूर कीजिएगा और ऐसी ही मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सी ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब और इसके साथ मौजूद बेल के आइकन को दबाना हरगिज मत भूलिएगा।